तीन दिन से तेरे हलक से भी पानी का कतरा नहीं गया, तू भी थक गया है, सुबह से मेरे साथ मैदान गया था, लाशें मेरे साथ लेकर के आया है, लेकिन मुर्तजिस तू प्यासा है, मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा। आपने कहा मुर्तजिस चल ठीक तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात चला जा, चाहे तो शहरे मदीना चला जा, चाहे तो मक्का शरीफ चला जा, जहां चाहे तेरी मर्जी है, जहां चाहे जाके प्यास बुझा ले। ये कह के आपने पैर निकाले है। घोड़े ने कहा था मालिक आज मुझे जबान दे दे, अगर आज भी नहीं बोला कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने उस घोड़े को कुव्वत गोयाई अता की। मुर्तजिस ने कहा था हुसैन गुलामों से ये बातें नहीं की जाती है, मुझे पानी की शिकायत रही है, मुझे भूख की शिकायत रही है, काफिर चलता क्यों नहीं है। तो मुर्तजिस ने कहा था हुसैन मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा नहीं है, तेरे कासिम से ज्यादा नहीं है, तेरे असगर से ज्यादा नहीं है, तेरी सकीना से ज्यादा नहीं है। हुसैन तूने 72 लाशें उठाई है, 72 के 72 प्यासे गए हैं, लेकिन मुझे प्यास का शिकवा नहीं है, काफिर चलता क्यों नहीं है। तो मुर्तजिस ने कहा था हुसैन मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख। वो देख तो सकी कौन खड़ा के दरवाजे पे। मेरे हुसैन ने मुड़ के देखा तो हुसैन की 7 साल की बेटी सैयदा सकीना खड़ी थी। जब आप एड़ लगाते थे चल मुर्तजिस, वो मुड़ के खेमे की तरफ देखता था, उधर से सकीना कहती थी ना मुर्तजिस मेरे बाप को ना लेके जाना, किसे भी लेके गया है आज तक वो पलट के नहीं आया है, ये जाएंगे पलट के नहीं आएंगे। जरा ठहर तो सकी, मुझे अपने बाप से बातें करनी है, मुझे आज आखिरी बार अपने बाप से बातें करनी है। ओ बेटियों के बापों जरा दिल थाम के सुनना, आज अंधे गूंगे पहरे के हाथ में अपनी बेटियां दे दिया करते हो, देखभाल के बेटियां दिया करो। खुदा की कसम तुम्हारा एक गलत फैसला उन्हें खून के आंसू रोने पे मजबूर कर देता है। तुम तो ये सोचते हो हमने फर्ज अदा कर दिया है, लेकिन बेटियों के लिए पूरी जिंदगी का रोना हो जाता है। सुन बेटी क्या होती है, खुदा की कसम बेटी पानी के बगैर रह सकती है, खाने के बगैर रह सकती है, लेकिन बेटी के लिए बाप के बगैर रहना मुश्किल होता है। आज तुझे बताऊं बेटी की कहानी। हुसैन की बेटी दरवाजे पे खड़ी है, मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, इशारा करके कहा था क्या कहना चाहती हो बेटी। हुसैन की बेटी ने यूं बाजू फैलाए और कहा था बस जरा एक बार आ जाइए। मेरे हुसैन कहते हैं बेटी वहीं से बता दे मैं सवार हो चुका हूं। तब हजरत सकीना ने कहा था अब्बा जी अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका था, लेकिन मेरे बाप मेरी ख्वाहिश ये है एक बार उतर के आ जाइए। कहा किस लिए। कहा आज आखिरी बार अपने बाप से जी भर के प्यार करने को जी चाहता है, आज मेरा दिल चाहता है मेरे बाप तुझे जी भर के प्यार करूं। मेरे हुसैन सवारी से नीचे उतरे। सुन बेटी क्या होती है, जब आप उतर के आ रहे हैं दिल कह रहा था हुसैन आज आखिरी मुलाकात है सकीना की, आज मत्था भी चूमना है, बेटी को सीने से लगाना है, आज जी भर के प्यार लुटाना है। अल्लाह अकबर बेटी क्या होती है। जरा वो लोग गौर करें जो बेटियों की पैदाइश पे चेहरे उतार लेते हैं, वो लोग सोचे जो बेटी आ जाए तो मर जाया करते हैं, बेटी आया करे चेहरे ना उतारा करो, एक सजदा ज्यादा किया करो और कहा करो तेरा शुक्र है मालिक सिर्फ बेटी नहीं दी है, तूने मुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला सरजमीने धामनी बुजुर्ग उलमा इकराम बहुत अच्छा पैगाम भैया हजरत साहब किबला बैठे हुए इनकी मौजूदगी में मैं बता रहा हूं। खुदारा बेटियों के आने पे मुंह ना बिगाड़ा करो। बेटा आता अल्लाह कहता अपने लिए भी कमा अपने माँ बाप के लिए भी कमा, और जब बेटी आती कहता जा मैं तुझे भी रोजी दूंगा तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी दूंगा। ये बेटियों को पैगाम दिया जाता बेटियां आए तो मर क्यों जाते हो। विलादत से पहले 50 किलो लड्डुओं का ऑर्डर, हॉस्पिटल से खबर आ गई बेटी आई है, अब लड्डू बारा बार बार फोन कर रहा है ये कब उठेंगे, अबे रख ले अबे बेच ले नहीं चाहिए, वैसे दिमाग खराब है तू भी कर रहा है, ये लैंग्वेज हो जाती है। ये पहचान बदनसीबों की है। खुश नसीब वो होते हैं जो बेटी की आमद पे मुस्कुरा दिया करते हैं। बेटी आए तो मुस्कुराया करो, इसलिए कि तेरा सहारा दुनिया का भी और आखिरत का भी। बेटी गलत नहीं कह रहा हूं, खुदा की कसम बेटी क्या होती है, अगर बेटी बोझ होती ना तो रब महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियों जैसे फूल अता नहीं करता।
चार चार बेटी अल्लाह ने दी है अपने महबूब को। सबसे बेटी छोटी बेटी को सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा जहरा कहा जाता है। हाँ, कोई फोन करे मुबारक को बेटा हुआ, चल भाई मीठे का डिब्बा तेरा पक्का हो गया है ना। और आज बेटी आई है कि आज तुझे पहले फोन करने का तुझे ही मौका मिला था, शर्म आनी चाहिए। हुजूर के दरवाजे पे हुजूर की चची आई, हुजूर बैठे हुए थे मस्जिद मस्जिद में, आ गई। हुजूर ने देखा उठ के आ गए, क्या बात है? कहा आज मेरी ख्वाहिश थी अल्लाह बेटा देता मैं खुशखबरी देती आप मुझे इनाम देते, लेकिन क्या करूं चौथी भी बेटी आई है। हुजूर मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे दुनिया वाले बेटे आए तो इनाम लुटाते हैं, मदीने वाला बेटी आई है तो खाली नहीं जाने देगा। फरमाया जाओ हम तुम्हें जन्नत की बशारत देते हैं, तुमने हमें बेटी की खबर दी हम तुम्हें जन्नत की बशारत देते। बेटी बेटी होती है, जिसको तुम पैदा होने पे मर जाते हो, जब तुम्हारे बेटे तुम्हें धक्का देते हैं तब यही बेटियां सीने से लगाती हैं, यही बेटियां सीने से लगाती हैं। अमीर हो या गरीब हो वो तो बस नहीं चलता, वरना अपने बाप पे जिंदगी वार दे बेटियां, जिंदगी वार दे बेटियां। ये बेटी होती है, अभी कुछ दिन पहले एक बेटी ने लीवर दे दिया अपने बाप को, काट दिया अपना लीवर का टुकड़ा दिया। इंटरव्यू में उससे पूछा गया तुझे डर नहीं लगा तू मर जाती तो? उसने सीधी बात कही थी, जान भी उसी की तो दी हुई थी, अगर वो दिल की धड़कने मांग लेता मेरा बाप है मैं धड़कने लुटा देता। मांग के देखिए बेटे से एक उंगली दे दे तो, हाँ मांग के देख उंगली बेटा दे दे तो, मर के देख सबसे पहले कफन से पहले कागज पे अंगूठा लेगा तेरा, ताकि कोई जमीन में अपना हक ना चला ले। ऐसे नहीं मेरा काट के ले जाएगा अंगूठा, खुदारा पतलो। बेटी आए तो मुस्कुराया करो, इसलिए कि जो दर्द बाप का बेटी के दिल में होता ना वो बेटे के दिल में नहीं होता। मैं भी अपने बाप का बेटा हूं, मेरे बाप की भी साथ बेटियां हैं, मगर खुदा की कसम खा के कहता हूं शायद मैं उतना प्यार अपने मां बाप से नहीं करता जितनी मेरी बहनें उनसे प्यार करती हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं प्यार नहीं करता हूं, मैं अपने हिसाब से बहुत करता हूं, लेकिन उनका प्यार देखता हूं तो अलग ही होता है। खुद भी आपने तजर्बा किया होगा, आप बाहर हो परदेश में, अब्बा का फोन पहुंचे तबीयत खराब है, कहता 10,000 अकाउंट में लगा रहा हूं दवा ले लेना बस, और आपकी बेटी 150 किलोमीटर दूर है, आप फोन कर दो बेटी तबीयत बहुत खराब है पैसे नहीं देती है, रात ही को मुसल्ला बिछा देती है, कहती मालिक मैं रहूं ना रहूं मेरे माँ बाप को सलामत रखना। वो रो के कहती है मैं रहूं ना रहूं मेरे माँ बाप को सलामत रखना, और सुबह उसके लिए साल भर से ज्यादा का मुद्दत लगती है, और सुबह उठते ही वो बच्चे छोड़ देती है, दौड़ के माँ बाप के पास आती है, गोद में सर रख के कहती है दुख ना कर जान भी देनी पड़ी तेरे लिए हंसते हंसते दे देंगे। ये बेटी होती है, सुन तुझे बताऊं बेटी क्या होती है। हुजूर हरम शरीफ में इबादत में मसरूफ है, सरकारी इजाजत है, हाँ तवज्जो है आप लोगों की, चले और आगे जरा कह दे यार रसूल अल्लाह सदर साहब अभी अल्लाह आपको सलामत रखे। कमेटी वाले हैं भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी अच्छी मेजबानी आप लोगों ने की, बहुत अच्छा इंतजाम था, और मजमा भी सुभान अल्लाह उतना ही अच्छा है। आप इतने खामोश है मुझे एतराज नहीं है, मैं जानता हूं समंदर अक्सर खामोश रहा करते हैं, ज्यादा भीड़ अक्सर खामोश रहती है, मुझे कोई एतराज नहीं, बस सुन लीजिए मुझे इसमें सबसे ज्यादा खुशी है, और कोशिश ये कीजिए इंशाल्लाह अमल किया जाएगा। मुफ्ती साहब क़िबला ये आप लोग अपना पढ़ चुके बोल चुके फिर भी बैठे हैं, ये आपकी कुर्बानियां हैं, अल्लाह आपको इसका बेहतर सिला अता फरमाए। हुजूर नमाज पढ़ने हरम शरीफ में, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था, उसने अपने दोस्तों से कहा कोई है तुम में से जो फला पहाड़ी से ऊंट की ओछड़ी लाके मां अल्लाह मोहम्मद के ऊपर डाल दे? तो एक बदबख्त खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं ले जाता हूं, ताकतवर था, पूरी ओछड़ी उठा के लाया हुजूर सजदे में थे सर और गर्दन के बीच में रखी। एक साहबी वहीं पे खड़े थे, उन्होंने यह कंडीशन देख के खींचना चाहा, लेकिन इतनी ताकत नहीं थी कि खींच लेते, बहुत देर तक कोशिश करते रहे नहीं उठा पाए,
दौड़े फिर हुजूर की चौखट की तरफ, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाप, कौन है? का हुजूर के दर का नौकर है। का क्यों आए हो? का हुजूर हरम में है, सजदे में है, एक बदबख्त ने ओझड़ी डाल दी है, इतनी भारी है मुझसे उतर नहीं रही है, इतना सुनना था। काफिर का कोई है जो मेरी मदद करे? उस वक्त घर में कोई मर्द मौजूद ना था। सुनना जरा प्यारे, उम्र शरीफ खातून जन्नत की तकरीबन 5 या 6 बरस थी, आपने ना चादर डाली सर पे, चादर तथीर तोड़ लगाई, उंगली पकड़ी, कहा चचा वहां ले चलो जहां मेरे बाप है। तोड़ती हुई हरम शरीफ में आई है, एक तरफ से आपने खींचा, दूसरी तरफ से सैयदा ने अकेला। जब ओझड़ी हड्डी गर्दन से मेरे सरकार का सर मुबारक उठा, आंखें सुर्ख हो चुकी थी उसके वजन पर, चेहरे पे लाली आ गई है, सजदे की जगह आंसू से तर हो चुकी थी। अल्लाह अकबर, वो सहाबी तो सिमट के खड़े हो गए, लेकिन सैयदा चूंकि बेटी थी, बाप की गोद में बैठ जाती है, अपने दुपट्टे से बाप के चेहरे को साफ किया, रोती जा रही है। आका करीम के लबों पर जब मेरे सैयदा खातून जन्नत ने बाप के लबों पर कपकपाहट देखी, आंखों में आंसुओं के कतरात देखे, महबूब ने बेटी का मत्था चूमा, अब बेटी से बर्दाश्त न हुआ, उठी है महबूब की गोद से, खिलाफे काबा पकड़ लिया है, कहती है मेरे मालिक, जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है, किसी को जीने का अधिकार नहीं है। इतना कहने की देर थी, सरकार तेजी से उठे, बेटी को संभाला, कहा खबरदार फातिमा, अब कुछ ना कह देना, तू फातिमा है, तेरी बात रखी टाली जाएगी। लेकिन इतना कह चुकी थी कि किसी को जीने का हक नहीं है, मशीयत कह रखी थी, ए फातिमा वक्त आने दे, बद्र का मैदान सजने दे, एक एक का सर कलम किया जाएगा, और तारीख गवाह है, जिन्होंने मुस्तफा पर ओझड़ी डालने में साजिश और मशवरा किया था बद्र के मैदान में, यूं फातिमा की दुआ कबूल हुई कि उनके सर अलग पड़े हुए थे, उनके धर अलग पड़े हुए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, हुजूर सैयद सलीम या साहब किबला, सर जमीने धामने बुजुर्ग, उलमाए इकराम, बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। अल्लाह पर ये बेटी दर्द करती है बाप का, हम कितना करते हैं। अभी भी मैं तुम्हें सैकड़ों मैसेज दिखा सकता हूँ बेटियों के, जिनकी सिर्फ ये शिकायत है, जरा ये तो तकरीर कर दिया करो, बेटियां बाप की मर्जी से रिश्ता करें तो बाप जरा देखभाल के रिश्ता करें। सैकड़ों ऐसे मैसेज दिखाऊंगा, कितने ऐसे मेरा भाई मुझे देखने नहीं आता, कितने ऐसे मेरे अपने मुझे पूछने नहीं आता, कितने ऐसे मैसेज आपको दिखाऊं। ये क्या है? हमारा मुआशरा जालिम होता जा रहा है, हमारे दिल पत्थर होते जा रहे हैं। खुदा रा प्यार कीजिएगा, मैं बात कह रहा था बेटी क्या होती है, चले आगे जरा कह दें या रसूल अल्लाह। खुदा रा बेटियों का ख्याल करें, ख्याल करें बेटियों का। आप क्यों अपने समझी के चक्कर में आके तुमने अपनी बेटी छोड़ दी? जरा सी अनबन समझी से क्या हो गई? कसम खाली चौखट पर नहीं जाऊंगा, सोचा करो जरा बेटी क्या होती है। मेरे हुसैन सवारी से उतरे, दिल में ख्याल था, तवज्जो है ना, वही बात याद आ गई, दिल में ख्याल था, जी भर के प्यार करना है। खुदा की कसम, मैंने ऐसे जनाजे भी देखे कि जिन जनाजों के पीछे मैंने बेटियों को दीवानों की तरह भागते देखा है। अक्सर ऐसा होता है, तजर्बा ना किया हो तो कर लेना, बाप का इंतकाल हो जाए और रात में घर से रोने की आवाज ना आए ना, तो समझ लेना इसकी कोई बेटी नहीं है। बहुत बड़ी बात मैंने कह दी। जिस घर में मैयत पड़ी हो और कोई रोने वाला ना हो, समझ लेना बेटी नहीं है। इसलिए कि बाप का इंतकाल हो जाए ना, तो बेटा 10 मिनट रोता बैठ के जनाजे पे, 20 मिनट बस। हालांकि मैं रोने की हिमायत नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप रोया करो, और अपनों की मैयत पे आंसू आ ही जाया करते, ये हुजूर की हदीस से भी साबित है। बात सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूं, अलबत्ता बयान करके रोने से मना किया गया, सीना पीटना बाल लोचना ये इस्लाम में नहीं है। अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा 10-15 मिनट रो के, अगर बीड़ी पीता तो कोने में बीड़ी पिएगा, मसाला खाता तो पुड़िया डालेगा, सिगरेट पीता सिगरेट पिएगा, उसके बाद कहेगा बताओ जी कफन किधर मिलता है, कफन किधर मिलता है,
चार यारों में जाके अपना वक्त खर्च करता है वो। मगर खुदा की कसम कोई मिसाल देखी हो तो बताओ, जब बेटियां बाप के जनाजे पे आके बैठ जाती हैं तो उस वक्त तक जनाजे को नहीं छोड़ा करती जब तक जनाजा घर से ना चला जाए। क्यों क्यों? वजह यह है कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। काश आप महसूस करें इस एहसास को, जब जनाजा उठता है ना बाप का तो बेटियां रोते हुए पागलों की तरह घर से निकल आती हैं। सबसे बुरा हाल बेटियों का होता है बाप के इंतकाल पर। मैं ये तो नहीं जानता कि बेटी की विलादत पे बाप क्या समझता है, लेकिन बाप के होने पे बेटियां अपने आप को शहजादी समझा करती हैं, अपने आप को खुशनसीब समझती है वो बेटी जिसके सर पे बाप होता है। इसलिए बेटियों की इज्जत किया करो, दर्द समझे बेटियों का। हुसैन के दिल में क्या आया? मेरा इमाम चाहता था जी भर के प्यार करें, लेकिन बेटी भी बेटी होती है। करीब पहुंचे, आपने यूं बाजू फैला दिए थे, आ बेटी मेरे सीने से लग जा। बेटी सिर्फ 7 साल की है और जहानत देखी है। जैसी बाजू फैलाए ना, बेटी ने हाथ जोड़ लिए, अब्बा ये तकलीफ ना उठाइए। क्यों बेटी? का सुबह से देख रही हूं आपने 71 लाशें उठाई हैं, ये बाजू थक गए हैं वजन उठाते उठाते। मैं बेटी हूं, मैं आपको ये तकलीफ नहीं दूंगी। मैं बेटी हूं, ये तकलीफ नहीं दूंगी। अब्बा जी ऐसा कीजिए अब्बा, इतने झुक जाइए जैसे बंदा रुकू में झुक जाया करता है। क्या करना है बेटी? काज मुझे प्यार करना है। अल्लाह अकबर, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। जुर्रत देखिए, जिसका एक चला जाए होश उड़ जाते हैं। जिसके सामने अकबर गया हो, जिसके सामने असगर गया हो, जिसके सामने कासिम गया हो, जिसके सामने उन्होंने मोहम्मद की लाशें पड़ी हो, जिसके सामने चचा बास के बाजू पड़े हो, फिर भी हिम्मत देखिए, कहती है बजरा झुक जाइए, आपको प्यार करना है। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं, आने के बाद जैसी आप झुके हैं, बेटी ने यूं बाजुओं की भार बनाया, बाप के गले में डाला, कभी माथा चूम रखी है, कभी पेशानी चूम रखी है, लब रुखसार चूम रखी है, गला चूमा, सीना चूमा। मेरे हुसैन ने कहा था, ए बेटी बता तो सही इतना प्यार क्यों कर रही हो? तब हजरत सकीना ने कहा था, अब्बा मैंने जो इतना प्यार किया है ये सिर्फ मेरा प्यार नहीं है। कहा फिर? तो हजरत सकीना ने कहा था, अब्बा जो मत्था चूमा है ये मेरा बोसा नहीं बल्कि नाना मुस्तफा के बदले का बोसा है। ताने रुखसार को चूमा है ये बाबा अली का बोसा है। पाए रुखसार को चूमा है मां फातिमा का बोसा है। तेरे लबों को चूमा चाचा हसन का बोसा। तेरे गले को चूमा वो मेरा बोसा। आका कहते हुसैन, ए बेटी ये तो बता सीना क्यों चूमा था? का अब्बा ये ना पूछिए, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। का बताना? कहती है अब्बा जो मैंने सीना चूमा है वो किसी और का प्यार नहीं बल्कि वो बेटी जो तेरी मदीने रह गई थी उसी सुगरा के बदले का प्यार किया। ए बेटी किस लिए? कल रात को सोई थी, ख्वाब में सुगरा आई थी, उसने कहा था सकीना जब शाम का वक्त होगा बाबा जाते होंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी, मुझे ना भूल जाना। जब सबके बदले का प्यार कर चुके तो मेरे बदले में मेरे बाप के सीने को चूम ले। हाय जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरवरे आलम कॉन्फ्रेंस, बिलाली का बेटी। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब। ये बेटी होती है, पूछ कभी करबला वालों से बेटी क्या, पूछ रिश्ते क्या होते। आज अपनों के गले काटने पे लगे हो, जलसों का मिजाज मजे बना दिया, मौलवी नहीं जोकर आना चाहिए। सुबह उठ के लोग कहीं मौज आ गई, यहां मूंड बनाने ना आया करो, ये जलसे हैं साहिब, यहां तकदीर बनाने आया करो, यहां तकदीर बनाने आया करो। कोशिश ये किया करो, कोशिश ये किया करो कि जो कमियां हैं उन्हें दूर करेंगे, जो अच्छाई होंगी उन्हें सीने से लगाएंगे, करेंगे इंशाल्लाह। रिश्तों की कदर करेंगे, अपनों के खिलाफ मुकदमे करेंगे, कोई बात नहीं बच्चे हैं। हाँ, उन्होंने भी पिछले, उन्होंने भी ये कह दिया इंशाल्लाह नहीं करेंगे। हाँ, आधी बात कह गए, ठीक है जी। अपनों के खिलाफ मुकदमे ना करना, अपनों से लड़ाइयां मत करना, अपनों से झगड़े ना करना। याद रखिएगा, चाय पी के भाई कहने वाले बहुत मिल जाते हैं, तेरे सीने की अपने सीने पे खाने वाला भाई दोबारा नहीं मिला करता है।
ख्याल रखना इस बात का। हाँ, ये ख्याल कीजिएगा, रिश्ते निभा के चलिए। आप बड़े हैं तो छोटों पे शफकत कीजिए, छोटे हैं तो बड़ों का अदब कीजिए। खुदा की कसम सारे इख्तलाफात का जनाजा ही निकल जाएगा। लेकिन जानते हो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कहावत सुनी है नहीं, झगड़ा भाई भाइयों का होता तो वो जो हराम खोर थलुआ खाने वाले जो चाय पी के आके कहते मियां दबियो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। मियां दबियो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम एक कदम चलोगे हम दो चलेंगे। तो ये कह रहा सबसे अच्छा हमदर्द तू ही है, जबकि ये नहीं पता ये तेरे घर को आग लगा रहा है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अपनों से प्यार करो, अपनों से मोहब्बत करो, अपनों से निभा के चलो। सबको ये देखो, अगर अकीदे में सुन्नी है तो फिर भाई है हमारा, करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही। बोलो, किसी के घर बैठ के आग तो नहीं लगानी है। याद रखिएगा, ये लड़ने वाले बाद में दोजख में डाले जाएंगे, लड़ाने वाले को पहले ठोका जाएगा। इसलिए सुलह करा सको तो करा लेना, झगड़ा ना कराना, करेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही। छोटे हों बड़े हों अमीर हों गरीब हों, सारे लोग ना कोशिश ये करें कि हम एक दूसरे से वफा करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, अपने पूरे परिवार को अल्लाह और उसके रसूल का इश्क दिखाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत सिखाएंगे, अपने परिवार की अच्छी परवरिश करेंगे। और परवरिश में सबसे अहम हाथ माओ का होता है। ये औरतें जितनी भी इस ख्याल की है कि मियाँ गए कमाने औरत गई लुटाने, इन माँ बहनों से गुजारिश है, खुदारा कमाई कैसी होती है आदमी से पूछो। पैसे में आग ना लगाओ। अगर तुम्हारा शौक 10,000 का जोड़ा पहनने का है, शोहर की कमाई 500 रुपए है, तो फटे कपड़े में पैबंद लगा के पहन ले। यहां भले इज्जत मिले ना मिले, मरने के बाद अल्लाह कब्र में इज्जत अता फरमाएगा। सिखाएंगे इंशाल्लाह यही बेटियों को। हम जाके सबसे पहले ये करते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं तुझे पता मौलाना क्या कह के गए, आज से ऐसे ही कहिए जैसे उन्होंने कही है। और बेटी से कहता बता कौन से कपड़े लाऊं, वो कहती अब्बा वो लाना जो आधे। बेटी को नंगा रखते हो, बीवियों को पर्दे कराते हो। उस वक्त तक घर नहीं संवरेंगे जब तक बेटियां नहीं संवरेंगी। आप सिर्फ बेटियों को संवारना शुरू कर दो, घर की बहुएं खुद बहुत संवर जाएंगी, करेंगे इंशाल्लाह। यही तालीम देंगे बेटियों को। हाँ, और मां बहनों से गुजारिश है, ये जो सुबह सुबह फजर के बाद तुम्हारे चूल्हे से आवाज आती है, अल्लाह करे डूब के मर जा, तू लौट के ना आए, तेरा बेड़ा गरक हो जाए, तू रोड पे मर जा, मुंह बंद रख। जिस दिन ये कफन में लिपट के चला गया ना, कोई घास डालने वाला नहीं मिलेगा। ये शोहर होता है, जिस दिन ये मर गया तेरे बेटे ही तुझे टुकड़े नहीं देंगे। है कि सभा में तेरे शोहर के मरने के बाद दुकान भी बटेगी, जमीन का भी तबसरा होगा, घर के भी चर्चे होंगे, लेकिन तेरी कोई बात नहीं करेगा। तू मुंह देखेगी कौन तुझे अपनाएगा। इसलिए खुदारा शोहर की इज्जत कर, जब तक ये दुनिया में है तेरी हुकूमत चल रही है। जिस दिन ये कफन में लिपट गया, तेरी हुकूमत का सिक्का उसी दिन खत्म हो जाएगा। जब शोहर घर से निकला करे तो उसे एक दामन फैला के बद्दुआ न दिया कर, उसे आंचल फैला के दुआएं दिया कर। कहा कर मालिक तेरी अमान में दिया गया, सुहागन छोड़ के गया गया, मालिक सुहाग के जोड़े में मिलाना, फी अमानिल्लाह कहा कर। कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के रुखसत किया कर, खुदा की कसम फिर हाथ से तुम्हें जुदा नहीं करेंगे। लेकिन मेरी बहन, घरों को जन्नत बनाइए, शोहरों को बाहर की टेंशनें बहुत होती हैं, घर की ना दीजिएगा। अपनी मुसीबतें बर्दाश्त कर लो, शोहर के साथ खड़ी रहो। तुम शोहर का साथ दो, खुदा की रहमतें कयामत में तुम्हारे साथ हो जाएंगे। इसलिए ये बेटियों को भी समझाइए, बहनों को भी समझाइए। फरमाइश कर रहे हैं इश्तियाक भाई के हुजूर का शजरा पढ़ना है, ये शायद कमेटी वालों की जानिब से कहा गया, लेकिन मैं बता दूं थोड़े साउंड वाले साउंड अच्छा करें। तकरीर तो मैंने कर ली, जैसे भी कर ली, और मजमे वाले अब जरा कह दें या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह आपने बड़े प्यार से सुना, बहुत मोहब्बतों से सुना। बस मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे शजरे की फरमाइश की गई है, इसे थोड़ा सा मोहब्बतों से सुन लीजिएगा। जब मैं आपको हाथ का इशारा करूंगा तो आपको क्या कहना है,
अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। अब तक जो खड़े ना मेरे भाई, आप भी अगर बोल दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। सारे बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। देखो बीच में डंडी ना मार जाइए। कभी सोचो लो मौलाना ने हरियाई भर दी है और अब चुप हो जाओ। रुकने वाले थोड़ी है, वहीं रुक जाऊंगा जहां तुम चुपोगे। नहीं चुपेंगे ना इंशाल्लाह। कैसे बोलेंगे जरा बोले। आदम के बेटे शीश, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे। माशाल्लाह इतनी रात तक तो बड़े बड़े इंसान सो गए होंगे लेकिन आप बच्चे अभी तक जाग रहे हो। यकीन ये माँ बाप की अच्छी परवरिश है कि आप अभी तक जाग रहे हैं। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आफिर, आफिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे नौजवानों। अल्लाहू अकबर। खुदा रा कोशिश करेंगे अपने मुआशरे को बेहतर करें। नौजवानों हम वैसे ही बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं, सारी दुनिया मिटाने पे लगी है। अपनों से गुजारिश है, खुदा रा अपनों की टांग ना खींचिएगा। कोई फंसा हो तो उसकी मदद कर दीजिएगा। तुम यहाँ फंसे हुए को निकाल लो, अल्लाह की रहमतें तुम्हें कयामत के दिन फंसने से बचा देंगे। करेंगे इंशाल्लाह, एक दूसरे की मदद करेंगे इंशाल्लाह, एक दूसरे के काम आएंगे इंशाल्लाह। अगर अल्लाह पैसे देगा तो हम जरूरतमंदों के काम आएंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही फरमाया गया, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हाँ ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी थी कि आले नबी औलादे अली की यहाँ पे बैठक रही। यकीन कीजिएगा इन लोगों को आ जाना ही हमारे लिए भाई से बरकत हुआ करता है। उसकी एक वजह ये भी है, कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा उस रात में कहाँ थे। हम कहेंगे मालिक तेरे महबूब के जलसे में थे। कोई गवाह है, हम इनका दामन पकड़ेंगे और कहेंगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अपने आका की बारगाह में लाडला बेटा तेरा। हुजूर की चौकट पे जाएंगे, फिर हुजूर को लेकर रब के चौकट तक जाएंगे इंशाअल्लाह। अजीज देखना हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। किसी ने इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैहि से कहा था, हुजूर सैयद की शान क्या हो? तो आपने फरमाया था बस इतना समझ लो, अगर इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। या शहीद करबला या दाफिए करबला, गुल रुखा शहजादे गुलगों कबा इमदाद कुन, गौसे आजम बने बेसर उसामा मददे, क़िबला दी मददे, काबा ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन, मदद कुन, मदद कुन या मुईनद्दीन चिश्ती, क़ादरी यमनारे या गौसे आजम भी जनम, दमज़ शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम भी जनम, बलग़ अल-उला बि कमालिही, कशफत तुजा बि जमालिही, हसुनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें, पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीईना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बादिनिल जूदी वल करम।
وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں اراکین کمیٹی بانیان جلسہ جنہوں نے اس سرد رات میں اتنی عظیم محفل کو سجایا۔ اللہ رب العزت سب کی کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کافی دیر سے ممبر شریف پر تقریباً دو گھنٹے سے حضور سید صاحب قبلہ تشریف فرمائے۔ اگر آپ نہیں جانتے ہو تو میں آپ کو یاد دلا دوں، بزرگوں کو زیادہ تکلیف نہ دیا کریں، ان کے ذمے بڑے کام رہتے ہیں، یہ ان کی کرم فرمائی ہے کہ یہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو آج جلسہ سننا ہے، شاید پھر سال بھر میں ایک دو سننے پڑیں، لیکن ان بزرگوں کا اپنا معاملہ یہ ہے، ان کو روز کسی نہ کسی محفل میں جانا رہتا ہے، صبح خانقاہ میں بیٹھ کر کے مریضوں کے حال بھی پوچھنے رہتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں بھی سننا رہتی ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی دیر کیسے بیٹھ گئے، یقیناً یہ حضور کی نسل کا کمال ہے، یہ ان کے خون کا اپنا رنگ ہے کہ یہ بڑی بڑی کوتاہیوں کو بھی نظر انداز کر جایا کرتے ہیں۔ اور بریلی والے نے کہا تھا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ پھر بھی یہ تو اس گھر کے بیٹے ہیں، اللہ اس پریوار میں اس نسل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بھی خیال رکھیے گا، جو یہ کہا کریں اس کو پہلی فرصت میں مان لیا جانا ہی ہم سب کی آخرت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ میں بتا دوں، زمیندار ہو ٹھیکیدار ہو اپنے لیے ہو گے، لیکن قبر میں تمہارے باپ کی نہیں چلے گی، قبر میں صرف ان کے باپ کی چلے گی۔ اپنی قابلیت اپنے پاس رکھیے گا، آپ کیا ہیں اپنے لیے ہوں گے، لیکن قبر میں پتہ چلے گا جب فرشتے پوچھیں گے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا محبوب کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو وہاں تیری بینک کی کتاب کام نہیں آنی ہے، وہاں تیری زمین کے کاغذ کام نہیں آنے ہیں، وہاں تیرے ایک مہینے کی کتنی انکم ہے اس سے کوئی مطلب نہیں پڑتا، وہاں تو یہی کہنا پڑے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ان کی شان تو یہ ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ یہ پیچھے والے بھی سننی بیٹھے نا، اگر بیٹھے تو پھر بولیں ذرا، یا رسول اللہ مجھے شک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ہاں بس بہت میری بات سنیے گا، میں بات کر رہا ہوں، قبر میں جانے کے بعد جو کام آنا ہے نا، تو پھر خدا کی قسم جاؤ اگر یقین نہ ہو نا، قبرستان جانا، قبرستان جانا اگر یقین نہ ہو، ممبر سے لے کے نیچے تک سارے میری بات پہ غور کریں۔ میں بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نکما بندہ ہوں، بس اتنا سمجھ لے رب نے میری ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ لوگوں تک ہماری باتیں پہنچا، بس اسی کو اپنا فرض سمجھ کے آیا ہوں۔ مگر میری ایک بات سن لیجئے گا، بہت غور سے سنیے گا، اگر کوئی جنت میں گیا تو میرے باپ کا کچھ نہیں جائے گا، کوئی دوزخ میں گیا تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن کبھی کبھی رہ کے خیال آتا ہے اس امت کے لیے حضور نے بہت رو رو کے آنسو بہائے، بہت روئے ہیں میرے نبی۔ خیال کیجئے گا، یہاں بیٹھ کے زمینداری نہ دکھائیے، ٹھیکیداری نہ دکھائیے، چل مدینے ہم تجھے دکھائیں، کتنے بڑے بڑے تاج والے ٹھوکروں میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ بریلی والے سارے ہی لوگ ہیں نا، جتنے بریلی والے، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، یہاں تو سارے ہی اپنے نکلے، میں تو ان میں بھی جا کے بولتا ہوں تو سینہ چوڑا کر کے بولتا ہوں، اس لیے کہ اپنے پاس کوئی مال چوری کا نہیں ہے، جتنا بھی مال ہے نا ایک نمبر کا مال رکھتے ہیں، ایک نمبر کا سارا مال ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، قبر میں جو سکہ چلے گا نا، وہ دولت کا نہیں، حکومت کا نہیں، حضور کے عشق کا سکہ چلے گا۔ جاؤ قبرستان ہوں گے آپ کے یہاں بھی، جاتے بھی ہوگے جمعے میں، اب کے جانا تو قبروں والوں سے پوچھنا، بتاؤ کیسی گزری، اور تم بتاؤ تم نے قبروں کو کیسا پایا، تو اگر آپ سن سکتے ہیں تو آواز آئے گی، ہم یہ سمجھتے تھے جس نے بلڈنگیں بنا لی وہ کامیاب ہے، جس نے گاڑی بنگلے لے لیے وہ کامیاب ہے، جو چار جانب اپنی شہرتیں کرا کے مر گیا وہ کامیاب مرا۔ قبر والے کہیں گے یہ سب دھوکا تھا، جیسی قبر میں آ کے لیٹے تو پتا چلا
यहां पर शानो शौकत का सिक्का नहीं चलता, यहां मदीने वाले की गुलामी का सिक्का चला करता है। और आला हजरत ने सबक पढ़ाया था, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। समझ में नहीं आता कैसे अपने आप को लोग बरेलवी कहलाते हैं और हुजूर की औलाद से लड़ जाते हैं। ये इश्क हमें बरेली के इमाम ने सिखाया है, और ये हकीकत है आज भी सैयदों के लिए बरेली वाले खड़े हैं और बरेली वालों के लिए हजरत अली के जियाले खड़े हैं। ये याद रखिएगा। अल्लाह सलामत रखे इस परिवार को, अदत बड़ी देर से बैठे हुए हैं, अल्लाह अदत की उम्र में बेपना बरकत अता फरमाए। हम इनके दर के गुलाम हैं, हम हुक्म नहीं दे सकते, बैठे इनकी मर्जी है, ये चाहे तो नवाज दें और चाहे तो उठ के चले जाएं, ये मालिक है। मगर आपसे इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। रात काफ़ी सर्द है, सदर जलसा का इसरार था काफ़ी वक्त पहले ही कि मेंबर पे आया जाए, लेकिन सच यही है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया है। और जो ये लोग खड़े हैं ना, अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं बैठने नहीं कहूँगा, इतना ज़रूर कहूँगा, घर जाना ना, अपने माँ के हाथ चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होके पूरा जलसा सुना था। सुने, खड़े होके भी सुन सकते हैं, हुजूर का जिक्र है, जैसे जहां जगह मिल जाए खड़े होके सुन ले। मैं देख रहा हूं कि जगह काफी तंग पड़ गई है आपकी, बैठने भर की जगह कम है, खड़े रहिएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। मुझसे पहले हमारे बड़े भाई रिश्ते में हमारे बहनोई हैं, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहब क़िबला, इनसे आपने नसीहत आमेज गुफ्तगु सुनी, और मैं जानता हूँ ठंड काफ़ी बढ़ गई है, मुश्किल होगा बैठना, लेकिन मैं एक आपको साइंसी बात बता दूँ, आपको लगेगा कितना बड़ा साइंटिस्ट आया था जलसे में। बैठ के चुपचाप सुनेंगे तो ठंड लगेगी, बोल के सुनेंगे तो इंशाल्लाह गर्माई आ जाएगी। बोल सकते हैं जरा या रसूल अल्लाह। भाई उस्मान रजा हारूनी साहब एक एक शेर ऐसा पढ़ रहे थे, दिल को छू रहा था। मैं एक बात कहूं, मैं थोड़ा सा अलग मिजाज रखता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां से भी उठ के जा सकता हूं, कमरे से भी जा सकता था, कोई मसला नहीं है। पाए मोरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस, बात सच्ची करनी चाहिए। भाई उस्मान रजा हारूनी जब से मदीना शरीफ से घूम के आए हैं ना, तब से नातों का रंग ही बदल गया है। पढ़ते तो पहले भी नात थे, लेकिन पहले इस तसव्वुर में पढ़ते थे कि कभी मदीना देखेंगे, लेकिन आज इस तसव्वुर में पढ़ते हैं जैसे अब भी मदीना देख रहे हैं। हाँ, तो ये हुजूर के शहर की जियारत की बरकत होती है, जो एक बार मदीना शरीफ देखाता है ना, फिर उसकी नजरों से हुजूर की जालियों का मंजर नहीं हटा करता, फिर हमेशा वो मदीने शरीफ के तसव्वुर में गुमराह करता है। आपसे इतनी गुजारिश है, आप भी नात सुना करें ना तो बंदगी समझ के सुना करें, फॉर्मेलिटी समझ के नहीं, फॉर्मेलिटी समझ के नहीं। जरूरी नहीं है उस्मान साहब 6 घंटे पढ़ेंगे तब नात का हक अदा होगा, यह भी तो हो सकता है ये एक शेर दिल से पढ़ लें और आप दिल से सुन लें और वही सबके मदीने जाने का सबब बन जाए। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, बातें हुजूर की दिल से होनी चाहिए, चाहे वो करने वाले हो चाहे सुनने वाले हो। ठीक है जी, आप लोग थोड़ा जिंदा दिली से बैठा करें, जिंदा दिली से बैठा करें, बात अच्छी लगा करें तो अल्लाह की हमद बयान किया करें, उसकी तस्बीह बयान किया करें, उसकी तकबीर बयान किया करें, इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरी बात, एक जहन ये रखा जाता कि सुभान अल्लाह कहना बच्चों का काम है, हम तो बड़े होशियार लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो हम तो बस्ती के अस्हाबे राय में से हैं, सुभान अल्लाह हम कहेंगे हमारी शान के खिलाफ है। नहीं, सुभान अल्लाह कहना सिर्फ बच्चों का काम नहीं होता, सुभान अल्लाह कहना मुकद्दरों वालों का काम होता है। हाँ, ये क्या मसला होता है कि इससे आपके दिल के कनेक्शन का अंदाजा होता है, आपका दिल हुजूर से कितना लगा है ना। कोई भी खूबसूरत चीज देखे इश्तियाक भाई, कोई भी खूबसूरत चीज देखे बंदा कह देता सुभान अल्लाह, क्यों? उसके दिल को चीज अच्छी लगी, बंदा सुभान अल्लाह कह जाता है। यहां हुजूर की पूरी नात हो गई, बंदा बुत बना बैठा रहा, फिर ये ना कहना उस्मान साहब ने कैसा पढ़ा था, बिस्तर पे लेटना चादर में मुंह छुपाना, फिर सोचना कहीं हराम के लुकमे तो नहीं खाए थे, जो नात ने दिल पे असर नहीं किया।
हुजूर की नात हो और दिल मचले ना मोमिन का, ये कैसे हो सकता है? या तो दिल काला हो चुका है या दिल में हुजूर का इश्क नहीं है। ख्याल कीजिएगा, नात सुना करे तो नात के तरीके से, जरूरी नहीं है कोई बड़ा शायर आएगा तब वाह वाह की जाएगी। कभी बैठा अकेले में मस्जिद के इमाम को कि आज हुजूर की नातें सुना दे, और उससे हुजूर की बातें सुन के मुस्कुरा दिया। कसम खुदा की भले महफिल को पता ना चले, मजलिस को पता ना चले, जिसकी नात हो रही है वो मदीने वाला भी जानता है, जिसके महबूब की बातें हो रही है वो काबे वाला भी जानता है। इसलिए रिश्ते हुजूर से मजबूत कीजिएगा, हुजूर से रिश्ते मजबूत कीजिएगा। सबसे बड़ी कमी यही है, हमारे रिश्ते हुजूर से कमजोर हैं, हुजूर से रिश्ते कमजोर हैं। वरना मजबूत होते तो हम ऐसे नहीं होते, हम ऐसे नहीं होते। कभी तो आदत बनाओ यार हुजूर पे दुरूद पढ़ने की, आदत बनाओ। हम मिजाज देखें, ये हर शख्स चाहता है मुफ्ती साहब कि मेरा बेटा आईएएस आईपीएस बने, हर शख्स चाहता है, अमीर से गरीब सब, सबकी ख्वाहिश है मेरे बेटे के आगे दुनिया सल्यूट करे खड़े होकर के। लेकिन कितने लोग ये चाहते हैं मेरा बेटा आशिक रसूल बने? अगर चाहते हैं तो कितने सबक पढ़ाए बच्चों को। मैं माओ से गुजारिश करूंगा, एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना अच्छी बात है, एक अच्छे स्कूल में बच्चे का दाखिला कराना अच्छी बात है, लेकिन बताना जब वो सुबह ड्रेस पहन के तैयार होता है, जूता पहन के तैयार होता है और नाश्ते में देर होती है, तो कहती बेटे थोड़ा सा सीरियल देख, टीवी देख, मैं 5 मिनट में नाश्ता बना के लाई, थोड़ा सा गेम खेल, मैं अभी नाश्ता बना के लाई। ये तो कह देती हो, काश क्या ही अच्छा हो, तुम्हारा बेटा स्कूल जाने के इंतजार में हो, तुम नाश्ते में देर कर रही हो, बेटे से इतना कह बेटे हुजूर पे 10 बार दुरूद पढ़, मैं अभी नाश्ता बना के ला रही हो। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कहा करो बेटों से, बेटो बेट बस 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ो, मैं नाश्ता बना के ला रही हो। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, हो सकता है कोई बात हमारी मदीने ना पहुंचे, लेकिन दुरूद मदीने जरूर पहुंचता है। रोज तेरा बच्चा सुबह में 10 बार दुरूद पढ़े। तू अपने बेटे से कह दे उस वक्त तक नहीं सोना आ गए जब तक 100 बार मेरे नबी पे दुरूद नहीं पढ़ना आ गए, उस वक्त नहीं सोना गए जब तक मेरे नबी पे दुरूद और सलाम नहीं पढ़ना आ गए, उस वक्त तक नाश्ता नहीं मिलेगा जब तक 10 बार दुरूद नहीं पढ़ेगा। सुबह भी फरिश्ते लेके दुरूद की सौगात मदीने जाएंगे, शाम भी मदीने फरिश्ते लेके जाएंगे, किसी दिन तो हुजूर कहेंगे ये किसका बेटा है जो सुबह भी दुरूद पढ़ता है शाम भी दुरूद पढ़ता है। कभी तो उनके लबों पर तेरा नाम आएगा, कभी तो पूछेंगे किसका बेटा है, अगर फरिश्तों ने कह दिया अब्दुल रहमान का बेटा है, राशिद का बेटा है, फाजिल का बेटा है, इरशाद का बेटा है, अब्दुल गफ्फार का बेटा है, ये लबों पे नाम उनके आना होगा। खुदा की कसम तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत फैजाने ताजदारे मदीना हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे हैदरी। बहुत अच्छा पैगाम भाई मुफ्ती भाई, आदत डालें। आला हजरत ने क्या कहा था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो लोगों ने लाखों सलाम पे एतराज किया, फिर जलाल आया बरेली के पठान को, तुम लाख पे पाबंदी लगा रहे हो, अब संभालो काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसो दोहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो ये हुजूर से करीब करने वाली बात है। सरकार क़िबला तशरीफ फरमाए, मैं एक बात कह दूं, सुनिएगा, सुनो मेरे बच्चों, ये आप बात आपको भी काम देगी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत गौर से मेरी बात सुनना बेटा, हमने अपने बच्चों को दुरूद पढ़ना नहीं सिखाया, ये कमी है हमारी। हम अपने बच्चे से कहते हैं बेटे यह है 5 का नोट, 2 रुपए का सामान लाना, इसमें से 3 वापस होने, यह है 10 का नोट, ये लेके जा, 5 का सामान मिलेगा, 5 का नोट वापस होना है। ये हम बच्चे को सुबह शाम पढ़ाते हैं, क्या ही अच्छा होता कभी बच्चा फ्री होता, तू भी थक के घर में आता, गोद में बिठा के कहता ये देख ये जो कैलेंडर में नक्शा है ना, ये मेरे महबूब के गुंबद खजरा का नक्शा है। बेटे ये जो गुंबद है ना, ये मदीने वाले आका का गुंबद है, इसके नीचे हमारी जान रहती है। उससे कहते बेटे कहीं भी रहना 10 बार मेरे नबी पे दुरूद पढ़ देना, 10 बार नबी पे दुरूद पढ़ लेना।
हम अपना जहन चेक करें हमने क्या किया। हम फितरत है, ये बात फितरतन ये बात इंसानों की आदत में शामिल है। जिसका ऊंचा मकान होता है ना, तो एक गरीब बंदा उसे अपने बेटे को बैठा के कहता, बेटे ये देख रहा है किसका मकान है? हाँ अब्बा ये उनका मकान है जिनकी दुकान भी है। अब्बा कहता, नहीं बेटे ये बुद्धा का मकान है, इसके बाप थे अच्छन, इसके बाप ने पूरी जिंदगी ठेला चलाया, लेकिन देखो औलाद के कैसे दिन फिरे हैं, औलाद के कैसे दिन फिरे हैं। देख बेटे 3 मंजिल बिल्डिंग खड़ी है, कोशिश करना बेटे इससे ऊंची बनानी है। अब्बा ये कैसे बन गया? कहा बेटे बड़ी मेहनत की है इसने, इसने पैसा कमाया है, तुझे भी अमीर बनना है। क्या कि अच्छा होता अपने बेटों को तुमने अमीरों की कहानी ना सुनाई होती, दौलत वालों के किस्से ना सुनाए होते, ऊंची बिल्डिंगों के ख्वाब ना दिखाए होते। कभी फुर्सत में बैठा के कहता, तुझे पता है बेटे हमारे नबी के 4 यार थे, एक यार को अबू बकर कहा जाता है, दूसरे यार को उमर कहा जाता है, तीसरे यार को उस्मान कहा जाता है, चौथे यार को अली कहा जाता है। ए बेटे चारों यारों का जवाब नबी है, महबूब को चारों बड़े प्यारे थे। ए बेटे बिल्डिंग बने ना बने अबू बकर जैसा इश्क जरूर पाल लेना, बिल्डिंग बने ना बने उमर जैसा प्यार जरूर करना। अगर तेरे पास दौलत हो ना हो, नबी से इश्क उस्मान वाला होना चाहिए। ए मेरे लाल कुछ करना ना करना है तेरे करार जैसा प्यार कर लेना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तेरा बच्चा भले मिनिस्टर बनता ना बनता, प्रधान बनता ना बनता, मरते वक्त कुछ भी ना बनता, मुस्तफा का आशिक जरूर बन के दुनिया से। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, सरजमीने धौनी बुजुर्ग। बहुत अच्छा पैगाम भाई मुफ्ती साहब। ये किस्से बच्चों को सुनाया करो, लेकिन हम क्या पट्टी पढ़ाते हैं? लल्ला इसकी औलाद से होशियार रहिए, इसके अब्बा ने हमारे अब्बा को 4 बार जेल कराई थी, लेकिन अपने अब्बा के ऐब नहीं गिनाता कि 8 बार मैट तोड़ी थी तब जाकर उसने 4 बार जेल कराई थी। हाँ ये पहले कह देता उससे होशियार रही हो, इसकी औलाद बड़ी फितरती है, मगर ये नहीं बताता हम तुम कितने फितरती हैं। कभी ये भी बता दिए कर बेटे, बरकतें मैंड की जड़ में नहीं होती हैं, बरकतें नीयत की सच्चाई में हुआ करती हैं। ये क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को यार? वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, अपने बच्चों की सही परवरिश करें। एक बुजुर्ग है, सफर कर रहे हैं, गुजर के जा रहे हैं, तवज्जो है आपकी, थक गए होंगे मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं आपकी समाखराशी नहीं करूंगा। जितनी देर आप सुनेंगे इंशाल्लाह उतनी देर हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पर लिखा होता है। अगर मुझे लगेगा आप थक चुके हैं तो इंशाल्लाह वहीं तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। बस तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह इन कमेटी वालों को सलामत रखे, इनके जरिए मेरी और आपकी मुलाकात हुई है। मैं ये भी नहीं कहूंगा मैं आपकी मोहब्बत में आया हूं, कभी पहले देखा ही नहीं तो मोहब्बत क्या, जाके बताऊंगा कैसी मोहब्बत की थी आपने। हाँ जाके बताऊंगा कैसी मोहब्बत की थी। मुफ्ती मुदस्सिर साहब इधर रहते हैं, ये हमारे इश्तियाक भाई, ये तमाम तर हजरात इधर के अक्सर आपसे मुलाकात करने वाले लोग हैं, शायद मेरे तासुरात ये आपसे बयान करें। बस मेरी बात मोहब्बत से सुन लीजिए, बुजुर्ग हैं, गुजर के जा रहे हैं, असर का वक्त हो गया, नमाज पढ़नी थी। उस वक्त ऐसा नहीं था कि हर जगह पंप या पानी या टंकी हो, मेरी माँ बहनें भी सुने और नौजवान भी सारे सुने, तो पानी की जब जरूरत पड़ती थी तो लोग कुआं तलाश करते थे या चश्मा तलाश करते थे, और दूर से पहचान यह होती थी कि जहां परिंदे उड़ते थे लोग समझ जाते थे यहां पानी है, या हरियाली होती थी तब लोग समझ जाते थे पानी है। आप सफर कर रहे हैं, असर का वक्त है, वुजू की जरूरत पड़ी, पानी की तलाश में कदम तेज बढ़ाए, सामने कुछ घर नजर आए, सोचा बस्ती है यहां पानी मिलेगा। बस्ती के करीब पहुंचे, कुआं था, और सोचा वुजू करेंगे यहीं जाकर के। कुएं के करीब पहुंचे तो देखा डोल रस्सी नहीं, पानी नीचे था, थोड़े से उदास हो गए, कहा कैसे लोग हैं, पानी है मगर डोल रस्सी नहीं है। आप सोच रहे थे किससे पानी के लिए डोल रस्सी मांगी जाए, इतने में एक बच्ची छत पे खड़ी थी, चेहरे का नूर देख के कहने लगी, लगता है हुजूर के इल्म का वारिस खड़ा है, लगता है कोई आलिम है। और करीब आई मुंडेल पे छत की, कहने लगी बाबा क्या बात है, परेशान लग रहे हो? हाँ बेटी वजू करना था, पानी की जरूरत थी, डोल रस्सी नहीं है। बच्ची मुस्कुरा के कहती, इतने बड़े मौलाना हो के परेशान हो? कहा बेटी परेशानी की बात नहीं है, पानी नीचे डोल रस्सी नहीं है।
तो बच्ची कहने लगी ठहरिए। बच्ची करीब आई, आने के बाद बच्ची ने कुएं के अंदर थूक दिया। अभी थूका था कि पानी किनारे पे आके खड़ा हो गया। कहने लगी बाबा कीजिए, बर्तन भर लीजिए। आलिम थे, वुजू किया, नमाज पढ़ी, बच्ची अपने खेल में लग गई। आप फारिग होके कहने लगे बेटी जरा करीब तो आ। क्या बात है बाबा? का बेटी अभी तेरी उम्र भी इतनी नहीं है, तुझ पे नमाज भी फर्ज नहीं है, तुझ पे हज भी फर्ज नहीं है, तुझ पे जकात भी फर्ज नहीं है, तुझ पे अभी रोजे भी फर्ज नहीं हुए है। बता तो सकी कौन सी इबादत करती है जो रब की इतने करीब हो चुकी है कि तूने तो थूक दिया पानी किनारे पे आ गया। हम बरसों से इबादत कर रहे हैं, अभी पानी के लिए डोल लस्सी के मोहताज है। बच्ची से कहा था बेटी बता तो सकी कौन सी इबादत की है जबकि नमाज तुझ पे फर्ज नहीं है, हज तुझ पे फर्ज नहीं है, ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं है। बच्ची मुस्कुरा के कहती है बाबा चाहिए ये राज है, राज ही रहने दीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। आपका वजू हो गया, नमाज पढ़ चुके हो, आप जा सकते हो। बच्ची ने इतना कहा, आप कहते नहीं बेटी, बता तो सकी कौन सी नेकी है, कौन सा अमल करती है। बच्ची ने कान में आके कहा था बाबा सुन लीजिए, जब मैं बिस्तर पे आके लेटती हूँ मेरी माँ 1000 दानों की तस्बीह लाके देती है और कहती उस वक्त तक ना सोना जब तक हुजूर पे दुरूद ना पढ़ ले, अल्लाह अकबर। बच्ची ने कहा तब आप